गायघाट बुजुर्ग के ग्रामवासियों द्वारा कोटेदार द्वारा मनमानी तरीके से राशन न देने तथा गाली गलौज और मारपीट करने को लेकर अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में गायघाट बुजुर्ग के ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम सभा के कोटेदार कैलाश यादव 8 वर्षों से कोटा चलाते हैं तथा ग्राम सभा के किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं दे रहे हैं और लोगों को बुलाकर अपने घर पर सभी लोगों से फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लगवाते हैं और कहते हैं कि जाओ कल आना। अगले दिन आने पर गाली गलौज करने लगते हैं और उनके परिवार के लोग हम ग्रामवासियों के साथ मारपीट पर उतर जाते हैं और गुंडई करते हैं तथा वह अपने आप को समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता भी बताते हैं और सपा को वोट देने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में कोटेदार कैलाश यादव ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए गोरखपुर न्यूज को बताया कि वह राशन देने के लिए तैयार है, किंतु निषाद टोला के लोग किसी के बहकावे में आकर राशन नहीं ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में प्रशासन के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के लिए भेजा है, जो कि इस मामले का छानबीन कर रही है। इस अवसर पर रविंद्र महेंद्र निषाद, संजय कुमार, सोनू कुमार निषाद, दीन बंधु वीरेंद्र, संतोष, सुरमिला, सुनीता, पार्वती, राधिका, कमलावती, रीता तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गायघाट बुजुर्ग के ग्रामवासियों ने कहा, जी सर, जब जांच होने जाएगी तो आप लोग अपने कार्ड के साथ रहिएगा, जांच होगी बयान दीजिएगा और कार्रवाई। हाँ, हमारे कार्ड फाड़ के फेंक दे ले, हमें राशन नहीं देता एक को दाई। कितना महीना? 6 महीना से। हाँ, जाई हाथ पकड़ के ढकेल देला, अंगूठा नहीं लगवा वाला, अंगूठा भी नहीं लगवा, नहीं राशन भी नहीं, नहीं जयंती कैलाश यादव गायघाट गायघाट खुदरू से राशन नहीं देना 8 महीने के, 2 साल से अंगूठा नहीं लगाए, खदे दे लगा से हम नहीं जाए, नहीं नहीं कबो नहीं, 2 साल देता नहीं देते। कैलाश यादव जिनकी नाम है दादा राम निषाद भैया, मामला यह है कि हम गायघाट ग्राम बुजुर्ग के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ के कोटेदार कैलाश यादव हैं, वो जो हमारे गांव के जो बेटी बहनें जाती हैं अंगूठा लगा लेते हैं, राशन नहीं देते हैं और कहते हैं कल आइए परसों आइए और जाते हैं तो उसके बाद राशन उनका खत्म हो जाता है। इसी विरोध में हमारे ग्राम के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, डीएम साहब से फरियाद करेंगे सर, यही या तो कोर्ट निरस्त किया जाए, दूसरे के दिया जाए, जो हमको राशन प्लस मिलता रहे हमेशा।